अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने लगे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को मेरी स्पीड बहुत स्लो लग रही होती है तो वो जो है हमारी यूट्यूब की सेटिंग में जाकर स्पीड को 1.25 से 1.5 तक कर लिया करें प्लेबैक स्पीड को। जिनको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होती है वो उसको कम कर लिया करें 0.5 0.75 जैसे आप लोगों को फीजिबल हो। तो ये बस मैंने एक बात शेयर करनी थी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग टेस्टीज से। अच्छा, सबसे पहले जो है हमारे पास बुक के अंदर टेस्टीज के दो फंक्शन बताए हैं जो बच्चे को पता है, मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स प्रोड्यूस करना और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टीज में प्रोड्यूस करना है। आगे फर्दर टेस्टोस्टेरोन जो है ना स्पेसिफिकली लेडिक सेल्स इंटरस्टीशियल लेडिक सेल से बनता है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे और मजीद डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग ना टेस्टीज का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको नोट से बताऊं, मैं आपको साथ ड्रॉ करके बताती हूं और मैं आप लोगों को साथ डायग्राम बता देती हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने के लिए। अच्छा, अब टेस्टीज जो है ना लाइन वाइज बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो टेस्टीज हमारे पास सर्कुलर होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने याद रखना है कि टेस्टीज को एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। सो दिस वन इज ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ठीक है। अब ये एंटीरियर साइड है टेस्टिस की, ये पोस्टीरियर साइड है। ट्यूनिका एल्बिजीनिया जो है पोस्टीरियरली जाके ना थोड़ी सी अब एक ना थिकनिंग सी बना लेता है कुछ इस तरह करके, ये ऐसे करके थिकनिंग बना देता है। इस थिकनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस थिकनिंग को हम कहते हैं मीडियास्टेनम टेस्टिस, ठीक है। ये बात होगी। इसके अलावा इधर जो है नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह इस जगह से, यहाँ से ब्लड वेसल्स और जो है हमारे पास नर्व्स होती हैं वो इस जगह से एंटर कर रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से मीडियास्टिनम टेस्टिस से मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू ही है ना, तो यहाँ से कुछ सेप्टाज अराइज होंगे जो टेस्टिस को लोब्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये सेप्टाज जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है, सेप्टुला टेस्टिस। और ये जो लोब ये लोग बनाते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा ये कितने लोब्स बनाते हैं, तकरीबन 250 से 350 कंपार्टमेंट्स या लोब्स बना देते हैं सेप्टुला टेस्टिस, और ये सेप्टुला टेस्टिस मीडियास्टिनम टेस्टिस से आ रही होती हैं। अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में तकरीबन 1 से 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। ये आपके पास आ गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कितनी होती हैं, 1 से 4 तक होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि ट्यूनिका एल्बिजीनिया के नीचे एक और जो है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्गुलोजा। ये मैंने एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्यूनिका वेस्गुलोजा, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से टेस्टिस का स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा, इसको अब मैं उससे दिखाऊं आप लोगों को बुक की डायग्राम से। तो ये हमारे पास बुक की डायग्राम है, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये है बॉडी, यहाँ पे है हमारे पास पूरी टेस्टिस हैं। उसके बाद ये देखें तो ये हमारे पास है ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ये जो डेंसा पर्पल सा डार्क पर्पल से शेड में जो ये बना हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ट्यूनिका एल्बिजीनिया पीछे जाके कनेक्टेड टिश्यू की थिकनिंग बना रहा है जिसको हम कहते हैं मीडियास्टेनम टेस्टिस। अब उनके अंदर आगे क्या पड़ा हुआ है, रेटी टेस्टिस वगैरह और एफ इंडक्टिव्स वगैरह, ये मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगी, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स वगैरह, वो सारा कुछ। अच्छा, इसके अंदर ये देखें ये सेप्टाज अराइज हो रहे हैं जिनको हम लोग कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है। इनके दरमियान में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई। तो ये हमारे पास हो गया बेसिक टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर अब हम आगे बात करें, इसको मैं आप लोगों को एक और डायग्राम से दिखाती हूँ। इसमें है हमारे पास ये देखिए, ये एक और डायग्राम है, इसमें आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह ये मीडियास्टिनम टेस्टिस के अंदर से एंटर हो रही हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बाय ट्यूनिका एल्बिजीनिया है और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और जो सेप्टास हैं उनको हम लोग कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द टेस्टिस। अगर इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे वाइट से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। किस तरह सेप्टुला टेस्टिस से दरमियान में ये देखें सेमीफेरस कॉइल ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो पीछे कनेक्टिव टिश्यूज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं। और यहाँ पे कुछ स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जा रही हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि ये रेटी टेस्टिस है, इनका भी मैं आगे बताऊंगी। और ये बाहर जो थिक जो है स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टेस्टिस। अब आगे हम लोग फर्दर आगे पढ़ते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये एक मैंने बनाई थी टेस्टिस की जब मैंने डायग्राम बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाई थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मैं हिस्सा लूँ और उसको दरमियान से इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लूँ तो वो अंदर से किस तरह से दिखती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि
वो किस तरह से दिखती है। सबसे पहले तो एक सेमी फेरस जो ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा एपिथीलियम होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, उसके अंदर होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, सेमी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है क्यूबॉइडल सेमी फेरस एपिथीलियम। इस एपिथीलियम की भी आगे क्या क्या क्वालिटीज़ हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे, कौन कौन से सेल्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है इस सेमी फेरस एपिथीलियम को बाहर से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होगा। ठीक है, ये आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाहर होंगे हमारे पास स्मूथ मसल सेल, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मायोइड सेल। ये जो मैंने ब्लू से बनाए हैं ये हमारे पास हैं मायोइड सेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या बात आ जाती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है। आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ट्रांसपोर्ट भी करना होता है स्पर्म्स को, जो आगे हमारे पास स्ट्रक्चर्स आएंगे, जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आएंगी, फिर रेटी टेस्टिस आएंगी, फिर एपिडिडमिस आएगा, फिर वॉल्स डिफरेंस, और फिर हमारे पास जाते जाते पूरा जो है यूरेथ्रा से जो है हमारे पास जो एजेकुलेशन होगी। तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होती है। अब ऑफकोर्स कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना जो पूरे स्पर्म्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे धक्का लगा सके, आगे पुश कर सके, आगे वाले स्ट्रक्चर्स में पास ऑन कर सके। तो ये मायोइड सेल्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है कि इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी की वजह से हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट उनकी होती है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो अब स्पर्म्स मोटाइल नहीं है जो खुद ही पहुंच जाए एपिडिडमिस में, मैच्योरेशन तो एपिडिडमिस तक जाकर होती है, तो यहाँ पे जो है स्पर्म्स जो है मैच्योर नहीं हुए होते, बन जरूर जाते हैं लेकिन स्पर्मिएशन के प्रोसेस जो है ना ज्यादातर वो एपिडिडमिस के अंदर होता है। तो यहाँ पे मायोइड सेल्स उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम लोग इसकी मजीद बात करें तो मायोइड सेल्स के अलावा हमारे पास एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा होता है। इसके अलावा अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की उन्होंने ये बात की भी है कि जो हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनती हैं किसके थ्रू, जो हमारे पास आप मैंने बताया था कि सेप्टुलर टेस्टिस जो आ रही होती है मीडियास्टिनम से, वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है, तो उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की काफ़ी लेंथ होती है, 200 माइक्रोमीटर होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड होती हैं और उसके बाद जो है ना ये मतलब इतने छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड होती हैं। किस तरह, इनका एक फ्री एंड होता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये एक लूप बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टर्न लूप। इस लूप को हम क्या कहते हैं, टर्न लूप। ठीक है, इसके अलावा टर्न लूप बना के ये आगे जाके स्ट्रेट हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल है ये कहाँ चली जाती है, ये आगे जो मेल जेनिटल सिस्टम जो पूरा स्टार्ट हो रहा है जिसका मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, उसके साथ कॉन्टिन्यूस हो जाती है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम लोग ना फर्दर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एपिथीलियम के ट्यूब्यूल के एपिथीलियम के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, मेरे पास जेस्चर नहीं है, मैं लाना भूल गई और अब मैं वीडियो रोक नहीं सकती तो मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो सेमिनिफेरस एपिथीलियम के अंदर बात करें तो हमारे पास जो है ना सेमिनिफेरस एपिथीलियम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं और एक होता है हमारे पास सर्टोली सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो है ना वो ही होंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, फिर हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया आते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो उन सारों की जो वो हमारे पास आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो वो सारे हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं। इसके अलावा सर्टोली सेल्स होते हैं जो सपोर्टिव सेल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और भी उनके काफी फंक्शंस होते हैं जो हम सर्टोली सेल्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मजीद हम लोग बात करें तो अब मैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं किस तरह से अरेंजमेंट होती है। तो आप जो है इस डायग्राम को देखें जो मैंने बुक के अंदर बनाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर नोट्स के अंदर। अच्छा, हमारे पास ना स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की 4 से 5 लेयर्स होती है क्योंकि डिफरेंट सेल्स होते हैं। सबसे पहले ये एक पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई है, उसका बस एक छोटा सा पार्ट मैंने दिखाया हुआ सेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स इस तरह से पड़े होते हैं, दरमियान में उनके क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होंगे, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, फिर हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, स्पर्मेटिड होंगे, और फिर स्पर्मेटोजो होंगे। तो ये सारे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होंगे। अब ये दोनों आगे मैंने क्यों कनेक्ट किए हैं, ये मैं आपको ब्लड टेस्टिस के अंदर बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आधी जो हैप्लॉइड्स जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो मैंने इधर क्यों लिखे हुए हैं, हैप्लॉइड सेल्स सारे उधर क्यों हैं। तो ये भी मैं आगे जो है ना आपको ब्लड टेस्टिस बैरियर के अंदर जो है इसकी सिग्निफिकेंस आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर स्टार्ट करें तो ये हमें पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके जो है दो टाइप्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया की, टाइप ए डार्क सेल्स और टाइप ए पेल सेल्स, ठीक है। जो टाइप ए डार्क सेल्स होते हैं इनका बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, टाइप ए पेल सेल्स का जो है पेल साइटोप्लाज्म होता है, इनका इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, इनका स्फेरिकल होता है, स्मॉल होते हैं साइज में, लार्ज होते हैं। और टाइप ए डार्क सेल्स का क्या काम होता है, उन्होंने अपना जो है अपना नंबर भी मेंटेन करना होता है, और उन्होंने टाइप ए पेल सेल्स भी बनाने होते हैं, ठीक है। और टाइप ए पेल सेल्स का क्या काम होता है कि उन्होंने अपना नंबर मेंटेन करना होता है, और उन्होंने टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाने होते हैं। अब इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर एनवेलप के बहुत करीब जो है ना लाए कर रहा होगा।
और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर देखें तो न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में होगा। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा मैं इस तरह समझा दूं कि अगर ये हमारे पास सेल है, टाइप ए सेल्स हैं, तो इनके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियोलस इनके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियोलस ये पूरी न्यूक्लियर एनवेलप है, तो न्यूक्लियोलस कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की, तो न्यूक्लियोलस बिल्कुल सेंटर में होगा, ये लोग ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की मजीद, तो इन्होंने डिवियंस करके, माइटोटिक डिवियंस करके इन्होंने क्या बनाना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपको पता है कि एक मेल की बॉडी में लार्जेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज आप लोग याद कर लें, तो वैसे कोई नई बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी, तो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोटिक डिवीजन टू करेंगे तो ये स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, और स्पर्मेटिड्स के आगे से जो स्पर्मिएशन का प्रोसेस होगा, जिसमें जो है स्पर्मेटिड्स मेच्योर होकर क्या बना देंगे, स्पर्मेटोजोआ बना देंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बातें थी, ये आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मैंने इसकी डिटेल्स नहीं बताई, बुक में भी इसकी डिटेल्स बहुत कम है, तो इनके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, ना ही ये पेपर में इतनी पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेन हमारा एक टॉपिक है ना, वो है नेक्स्ट सर्टोली सेल्स का। अब सर्टोली सेल्स की थोड़ी सी हम लोग बातें कर लेते हैं कि सर्टोली सेल्स क्या होते हैं। अच्छा, सर्टोली सेल्स जो हैं हमारे पास, आपको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया को सराउंड किया होता है सर्टोली सेल ने, ठीक है। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया, फिर सर्टोली सेल, फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर सर्टोली सेल्स, ठीक है। इनकी लेंथ देखें तो 80 माइक्रोमीटर होते हैं, विड्थ देखें तो 30 माइक्रोमीटर होते हैं। इसके अलावा इनकी जो लेटर मार्जिन होती हैं वो थोड़ी सी इरेगुलर होती हैं, क्योंकि इनके बराबर में स्पर्मेटोगोनिया पड़े होंगे। ये देखें, ये जो इसकी लेटर मार्जिन है थोड़ी सी मैंने इरेगुलर बनाई हुई है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया तो वो थोड़े से बल्ज कर देते हैं। इसके अलावा जो है सर्टोली सेल्स के अंदर आपको पता है लार्ज ओवल न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर उसका डार्क न्यूक्लियोलस होगा, और जो इसके अंदर सर्टोली सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ऑर्गेनल्स बहुत रिच होते हैं, गॉल्जी होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो इनका ल्यूमिनल जो पार्ट होगा, अब देखें मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि देखें, ये मेरे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल का क्रॉस सेक्शन है ना, तो सर्टोली सेल्स कुछ इस तरह पड़े हुए होंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, दरमियान में ये है हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स, और यहाँ से ऐसे स्पर्म्स बनते हैं, ये आप लोगों को पता है कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो जो इनकी ल्यूमिनल साइट है, यानी जो ये ल्यूमेन है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, तो जो इनकी ल्यूमिनल साइट है वो हमारे पास उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रूव्स होंगे। क्यों ग्रूव्स होंगे? कि इसके अंदर जो स्पर्म्स के जो हेड हैं वो ऐसे करके इसके अंदर ऐसे जो है ना उसके साथ फ्यूज़ किए होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी होगी ल्यूमिनल जो है इसकी कह लें मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा अच्छा जो मेन बात है ना सर्टोली सेल के अंदर, जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलनी, तो क्या होता है कि दो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स की लेटरल साइड पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है, और वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन आपस में कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये ऑक्लूडिंग जंक्शन हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं? ऑक्लूडिंग जंक्शन, जोनल ऑक्लूडिंग बना देते हैं। ये जो कनेक्शन होता है इसकी वजह से हमारे पास जो बैरियर बनता है उसको हम कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसकी जो मैं आगे जो फर्दर डिटेल है वो मैं आगे बताऊंगी। अब इसमें एक बात याद रखें कि हमारे पास इसकी वजह से सर्टोली सेल्स के अंदर दो सेक्शंस बन जाते हैं। एक हमारे पास होता है बेजल सेक्शन, जो आपको पता ऑफ कोर्स सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बेजल साइड पे, जो बेजल साइड के करीब है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेजल सेक्शन। और एक जो हमारे ल्यूमिनल साइड को फेस कर रहा होता है उसको हम लोग एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। अब जो बेजल कंपार्टमेंट है ना उसके अंदर सारे डिप्लॉयड सेल्स पड़े होंगे, स्पर्मेटोगोनिया पड़े होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पड़े होंगे, कौन सी फेज में? जो उनकी अर्ली फेज होती है, डिवाइडिंग फेज में, वो एड्यूमिन कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, जैसे वो डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। एड्यूमिन कंपार्टमेंट के अंदर हेप्लॉइड सेल्स होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ वगैरह, ठीक है। तो ये आपका था ब्लड टेस्टिस बैरियर भी कह लें, सर्टोली सेल्स भी कह लें, इसको मैं इससे बताती हूँ। ये देखें, अभी ज़रा आप लोग डायग्राम देखें, तो इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं। हाँ, अभी ज़रा डायग्राम देखें आप, कि ये है हमारे पास जनाब बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, ये है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उन्होंने जब मियोसिस की, और ये दो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स हैं, इनके दरमियान ये देखें, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बना हुआ है, या जोनल ऑक्लूडेंस की वजह से ब्लड टेस्टिस बैरियर बना हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने डिवीजन की, ये लोग डिवीजन करेंगे तो फिर ये आगे मूव करेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, फिर स्पर्मेटिड्स और ये स्पर्म्स। अब आप स्पर्म्स देख लें कि जो ल्यूमिनल सर्फेस है सर्टोली सेल्स की, इसके अंदर काफ़ी इमेजिनेशन हैं, जिनके अंदर जो इन इमेजिनेशन के अंदर है स्पर्म्स जो है वैसे करके फ्यूज हुए हैं, या फिर इसके अंदर जो है ना कह लें कि धसे हुए हैं, ठीक है। सो
ये सर्टोली सेल्स थे। अब सर्टोली सेल्स का अगर हम लोग थोड़े बहुत फंक्शंस देख लें, फंक्शंस देखने से पहले मैं ब्लड टेस्टिस बैरियर समझा दूं। वैसे मैंने ओवरव्यू तो दे ही दिया ब्लड टेस्टिस बैरियर का। अब ब्लड टेस्टिस बैरियर की सिग्निफिकेंस देख लें कि क्यों ये बैरियर बनता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ट्यूनिका वैस्कुलोजा होती है, उसके बाद जो है ट्यूनिका एल्बिजिनिया होती है। जस्ट फॉर आप लोगों की कन्वीनियंस मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कि ये देखें, मैंने ये बनाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होंगी, तो यहाँ पर आपको पता है कि पहले सबसे पहले ये तो ब्लू सेल तो आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये आ गई ट्यूनिका वैस्कुलोजा और यहाँ पे आ गई ट्यूनिका एल्बिजिनिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके नीचे क्या है ब्लड कैपिलरीज उनको सराउंड कर रही हैं। ठीक है, तो एक सर्टोली सेल को मैंने कहाँ पर बनाया था, ये एक सर्टोली सेल था। ठीक है, और ये एक ये स्पर्मेटोगोनिया सारे और ये दूसरा सर्टोली सेल है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो बैरियर होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये क्या करता है कि डिप्लॉयड सेल को किससे सेपरेट कर देता है, हैप्लॉयड सेल से। ये मैंने बात आप लोगों को पहले बता दी। अब हमारे ब्लड के अंदर ना काफ़ी जो है ना एंटीजेंस आ रहे होते हैं, जिनको हमने बचाना होता है कि वो कहीं जर्म सेल से एक्सपोज ना हो जाए। ठीक है, अब अगर ये एंटीजन इधर बेसल कंपार्टमेंट से एड्यूमिनल कंपार्टमेंट में चले जाए तो हमारी बॉडी उनको एज अ फॉरेन सब्सटेंस लेती है और ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है और जो हमारे जो जर्म सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने इस ब्लड टेस्टिस बैरियर ने इस चीज़ को प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा बेसल कंपार्टमेंट के करीब ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, तो उन ब्लड वेसल्स के अंदर ऑफकोर्स टॉक्सिन्स वगैरह भी आ सकते हैं। अब हर टाइम तो नहीं हम लोग प्रोटेक्टेड होते हैं ना टॉक्सिन से, कभी कभार हमारी टॉक्सिन्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो एड्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर जो जर्म सेल्स बन रहे होते हैं यानी स्पर्म्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो उनको बचाने के लिए टॉक्सिन से हम लोग क्या करते हैं कि अल्लाह ताला ने ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाया होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड टेस्टिस बैरियर की बस यही सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा अगर सर्टोली सेल्स की अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, जो पहले तो आपने सर्टोली सेल्स की सिग्निफिकेंस में सारा कुछ वही लिख देना है जो ब्लड टेस्टिस बैरियर का है। ठीक है, कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बना रहे होते हैं और उस बैरियर का क्या काम होता है वो सारे आपने लिख देना है, जो कुछ मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इसके अलावा सर्टोली सेल्स को देखें तो आप देखें कि जो एड्यूमिनल कंपार्टमेंट है उसके अंदर कोई ब्लड नहीं जा रहा। ठीक है, ब्लड नहीं जा रहा तो इधर जितने भी सेल्स पड़े हुए हैं ऑफकोर्स स्पर्म्स पड़े हुए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से जाएगी भाई। न्यूट्रिशन ये जो ब्लड है वो बेसल कंपार्टमेंट के करीब है, सर्टोली सेल्स के करीब है, तो ब्लड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होंगे वो जो है इस साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल के अंदर फ्यूज कर जाएंगे और ये साइटोप्लाज्म आगे जाके इनके न्यूट्रिएंट्स इस तरह से एड्यूमिनल कंपार्टमेंट के सेल्स को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो सर्टोली सेल्स हैं कुछ सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जो मैंने इधर नोट्स में लिखे हुए हैं, या आप लोग इधर से ही देख लें। सबसे पहले तो ये टेस्टिकुलर फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है, जो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अच्छा, टेस्टिकुलर फ्लूइड की कंपोजिशन प्लाज्मा जैसी होती है, बस उसके अंदर कुछ मतलब आयनिक जो कंपोजिशन होती है वो प्लाज्मा जैसी होती है, बस उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैं आगे जाके फर्दर डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करनी होती है, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की सिक्रीशन को FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या करना होता है, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन करानी होती है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करा सकें। इसके अलावा ये इनहिबिन भी रिलीज करता है कि कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए टेस्टोस्टेरोन वगैरह की, तो इनहिबिन क्या करता है FSH को जाकर रोक देता है, और FSH रुक जाता है तो फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रुक जाती है और फिर टेस्टोस्टेरोन रुक जाता है। इसके अलावा ये एक और हार्मोन जो है रिलीज कराते हैं जिसको हम कहते हैं मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो अर्ली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है उसके अंदर कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास दो डक्ट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और एक हमारे पास होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, ये आप लोग फिजियो के अंदर ज़्यादा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे और एम्ब्रियो के अंदर भी, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। तो हमारी जो टेस्टिस हैं वो क्या करती हैं कि वो एक हार्मोन रिलीज कराती हैं जिसको हम कहते हैं मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ठीक है, जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होता है उसको हम लोग मलेरियन डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होता है वो एम्ब्रायोलॉजिकली जो है आगे जाके जो किस चीज़ के अंदर वो कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स तो नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, यूट्रस के अंदर, यूट्राइन ट्यूब वगैरह के अंदर। अब हमें पता है कि यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब हमें मेल्स के अंदर नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा हार्मोन रिलीज करना है मेल्स के अंदर, रिलीज होना जरूरी है जो
जो इस डक्ट को ना बनाए, जो इस डक्ट की फॉर्मेशन को रोक दे, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी टेस्टीज हैं, टेस्टीज के अंदर जो सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स वगैरह, वो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, वो मलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो मलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की फॉर्मेशन को रोक देता है। इसके अलावा जब हमें पता है कि जब स्पर्मेटिड बनते हैं, तो ये देखें, अगर आप, मैं इस डायग्राम को दोबारा आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, तो ये देखें, ये स्पर्मेटिड बने हैं ना, तो देखें कितना ज़्यादा इनके अंदर साइटोप्लाज्म है। अब ऊपर जाके साइटोप्लाज्म कितना कम रह गया, तो वो सारा साइटोप्लाज्म कहाँ गया इनका, ठीक है, जो एक्सेस में था वो इन सर्टोली सेल्स के लाइसोसोम ने फेगोसाइटोज कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से स्पर्म की मैचुरेशन भी करा रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन तो नहीं, काफ़ी चैप्टर कवर हो गया। मैं देख लूँ कि मज़ीद कोई डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखानी हो। हाँ, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये देखें, इस डायग्राम को देखें, ये इसके अंदर सारे जो है जर्म सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही है, और साइड पे आप देखें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की क्या है, मैंने बताया था कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, लेकिन वो इतना सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मायोइड सेल्स बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, ये देखें मायोइड सेल्स सराउंडिंग, और साइडों पर हमारे पास इंटरस्टीशियम के अंदर लेडिक सेल्स होते हैं, इनका मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और ये आप लोगों ने देख लिया। इसके अलावा अगर इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो इसके अंदर भी देखें आप लोगों को मायोइड सेल्स नज़र आ रहे हैं, स्मूथ मसल्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखें बड़े बड़े सेल्स स्पर्मेटोगोनिया है, उसके बाद फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उसके बाद फिर वो आगे से यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ही नज़र आ रहे हैं, ये हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थोड़ा आगे जाके, और फिर ल्यूमेन वाली साइड पर आप देखें तो आपको स्पर्मेटिड्स और स्पर्म वगैरह नज़र आएंगे, ठीक है। और इस डायग्राम में भी देख लें, ये क्लिप आर्ट टाइप की है, इसके अंदर ये देखें ये किस तरह से दो सर्टोली सेल्स के दरम्यान में यहाँ पे ये जंक्शन सा बना हुआ है, जो इतना विजिबल नहीं है लेकिन एक जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि ये देखें बेसल कंपार्टमेंट है और ये एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब अपनी अर्ली फेज के अंदर होता है तो बेसल कंपार्टमेंट के अंदर होता है, और जैसे अपनी डिवाइडिंग स्टेज के अंदर चला जाता है तो वो एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। लेटर साइड पे आप सर्टोली सेल्स की इमेजिनेशन भी आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ रही होंगी, ठीक है, और ऊपर जो इसकी ल्यूमिनल साइड है उस पर भी आपको इमेजिनेशन नज़र आ रही होंगी, जो ऑफकोर्स स्पर्म्स के हेड को अपने साथ बाइंड कर देती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली डायग्राम देखें, ये देखें ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, दरमियान में सारे स्पर्मेटोगोनिया में, ऊपर सारे स्पर्म्स हैं, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, बेसल कंपार्टमेंट। अब मैंने इतनी डायग्राम्स दिखा ली, इसके बाद भी अगर क्लियर ना हो तो आप लोग इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। और ये 200 माइक्रोमीटर इनका जो है डायमीटर होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मायोइड सेल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, देखें ये भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। लेडिक सेल्स का आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये सारा कुछ है, ये मैंने आप लोगों को सब कुछ पहले ही दिखा दिया है। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर। जज़ाकअल्लाह।